जापान में एक फिश पैदा होती है जिसका नाम है कोई, जापानीज कोई बोलते हैं, के ओ आई। इसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता है, जब वो पैदा होती है तब उसकी साइज एक या डेढ़ इंच होती है। अगर वे पैदा होने के बाद उसको घर में जो हम बाथरूम में टब यूज करते हैं पानी भरने के लिए या स्नान करने के लिए, उस टब में अगर उसको रखें तो जिंदगी में वे सिर्फ दो या तीन इंच बड़ी होती है। अगर वही कोई मछली को पैदा होने के बाद तुरंत ही कोई बड़ी वाटर टैंक में रखी जाए, 10x10 या 10x20 की साइज हो, उसमें अगर रखी जाए तो वो मछली अपनी जिंदगी में 8 से 10 इंच बड़ी होती है। वही जापानीज कोई मछली को जो पैदा होने के वक्त 1 या 1.5 इंच की थी, उसको अगर बड़ा तालाब हो उसमें रखा जाए, इन अ लेक, तो अपनी जिंदगी में उसकी साइज बड़ी होते हुए 2-3 फीट बढ़ती है। कई दशकों तक वैज्ञानिकों के मन में यह रहा कि हाउ विद द सेम जीन एंड द सेम डीएनए, जेनेटिक वही है, डीएनए भी वही है, तो वही जीन्स या वही डीएनए है तो भी ये मछली कोई 2-3 इंच बड़ी होती है अपने जीवन में, कोई है तो 8-10 इंच बड़ी होती है, कोई है तो 2-3 फीट बड़ी हो जाती है। बहुत संशोधन किया उसके बाद एक कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार हुआ, और कंक्लूजन रिपोर्ट में यह लिखा था कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेशंस ऑफ द लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ। यह मछली उसका विकास इस पर निर्भर है, तो वो अपने आप को जिस मर्यादा में सीमित कर देती है कि ये मेरी मर्यादा है जीवन में, जीवन में विकास की मेरी ये मर्यादा है, उस प्रकार से उसकी सोच बनती है, और इस सोच के अनुसार उसका विकास होता है। तो एक प्रथम बड़ी बात यह समझनी है, यू ग्रो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस दैट यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। आपने अगर स्वीकार कर लिया कि ये मेरी मर्यादाएं हैं तो आपका विकास उस सीमित मर्यादा में ही होगा। अगर आपने अपने विचार से एक बात जीवन में तय कर ली कि मेरा विकास अमर्यादित हो सकता है, इफ ग्रेट पीपल हैव ग्रोन आई कैन ऑल्सो ग्रो इन लाइफ। जो भी महापुरुष इस पृथ्वी पे हैं अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में, उन्होंने बहुत, अगर हम कह सके तो पूर्ण विकास किया है, तो मैं भी कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो डू, गॉड इज नॉट पार्शियल। तो प्रथम यह विचार स्पष्ट करना है कि मैं जितना चाहूं उतना मेरा विकास हो सकता है। ये विचार अगर स्पष्ट हो जाए तो जेनेटिक साइंसेस की जो रिसर्च हुई है वे बताते हैं कि भगवान ने तो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे आत्मा में कई प्रकार की ऐसी शक्तियां रखी हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं रहे, जिस शक्ति और जिस ऊर्जा से हम अपनी अपना अमर्यादित विकास कर सकते हैं। तो प्रथम ये बात हम स्वीकार लें कि इफ यू एक्सेप्ट दैट आई हैव नो लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ, यू कैन गो फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ इन योर लाइफ। ये विचार मन में स्पष्ट होना चाहिए।